हाय गाइज, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सटी डांसर 3D के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे दूसरे वीक में इस फिल्म की कितनी स्क्रीन बचे हैं और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करना है। तो दोस्तों देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट डालें आप तक पहुंच सकते हैं सबसे पहले। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोमो डिसूजा, वही रोमो डिसूजा जो इससे पहले एबी सीरीज जैसी सीरीजें दे चुके हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और साथ ही साथ दिव्या घोषाल कुमार। दोस्तों, इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट में देखेंगे बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, नोरा फतेह अली खान और साथ ही साथ प्रभु देवा। दोस्तों, इस फिल्म की अगर बात की जाए बजट की तो आपको बताते चले यह फिल्म बनकर तैयार हुई लगभग 50 करोड़ प्लस के बजट में, और वहीं इस फिल्म की प्रिंट ऑफ पब्लिसिटी कोस्ट यानी कि प्रमोशन में खर्च किए गए हैं लगभग 15 करोड़। टोटल इस फिल्म के बजट होते हैं लगभग 65 करोड़। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बारे में। दोस्तों, आपको बताते चले यह फिल्म इंडिया में काफ़ी बढ़िया स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जिस हिसाब से इस फिल्म को उम्मीद थी कि यह फिल्म इंडिया में लगभग 1500 से 2000 स्क्रीन पर रिलीज होगी, लेकिन ऑलरेडी इस फिल्म को काफ़ी परफेक्ट स्क्रीन दिए गए थे। दोस्तों, आपको बताते चले यह फिल्म इंडिया में रिलीज हुई थी लगभग 3000 स्क्रीन पर, वहीं ग्रॉस यानी कि वर्ल्ड वाइज इस फिल्म को स्क्रीन मिले थे लगभग 700। टोटल इस फिल्म की स्क्रीन होते हैं लगभग 3700। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, फर्स्ट डे इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 10 करोड़ 25 लाख का, वहीं ग्रॉस से कमाया था लगभग 2 करोड़ 30 लाख का। दूसरे दिन जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 13 करोड़ 24 लाख, वहीं ग्रॉस से कमाया था लगभग 2 करोड़ 20 लाख का। तीसरे दिन संडे और हॉलीडे होने के कारण जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। तीसरे दिन माउथ पब्लिसिटी काफ़ी पॉजिटिव होने के कारण दोस्तों इस फिल्म में जबरदस्त बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 17 करोड़ 16 लाख का, ग्रॉस से कमाया था लगभग 4 करोड़ के आसपास। दोस्तों, इस फिल्म की अगर बात की जाए फर्स्ट वीक के इंडिया वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की तो आपको बताते चले फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने इंडिया वर्ल्ड वाइज से कलेक्शन किया था लगभग 72 करोड़ 52 लाख का। दोस्तों, बात की जाए मूल रूप से इस फिल्म के 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 9वें दिन काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 9वें दिन यह फिल्म इंडिया में कलेक्शन की थी लगभग 2 करोड़ 50 लाख का, ग्रॉस से कमाए थे लगभग 40 लाख के आसपास। दसवें दिन जिस हिसाब से उका पेंसिल और जो डाटा सामने आया है यह फिल्म 10वें दिन इंडिया में कलेक्शन कर सकती है लगभग 3 करोड़ 20 लाख का, ग्रॉस कमा सकती है लगभग 50 लाख के आसपास। दोस्तों, आपको बताते चलें ये जो भी कलेक्शन है ये सब रियल कलेक्शन है और ये कोई भी फेक कलेक्शन नहीं है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के टोटल इंडिया वर्ल्ड वाइज कलेक्शन की तो इस फिल्म ने टोटल इंडिया वर्ल्ड वाइज से 10 दिनों में 83 करोड़ 35 लाख का बिजनेस किया। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करना है, दोस्तों आपको बताते चलें इस फिल्म की बजट थी लगभग 65 करोड़। अगर ये फिल्म इंडिया वर्ल्ड वाइज से 90 से 100 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये फिल्म आराम से हिट का वागेट पा लेगी। तो दोस्तों, क्या लगता है ये फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? जो भी हो अपना कीमती राय जरूर दें। दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।